सुपरफास्ट आपनी साथे हूं छु विधाता समाचारोनी शुरुआत करी मोटर व्हीकल एक्ट में सुधारा बाद दंड मामले गुजरात बीजा क्रमे प्रथम क्रमांके उत्तर प्रदेश गुजरात में वाहन चालकों ने प्रतिदिन सरेराश 1.66 करोड़ दंड कांग्रेस एमएलए विक्रम माडमे अमदावाद बीआरटीएस अकस्मात मामले आप निवेदन कहू बने युवकों मौत कारण हेलमेट विक्रम माडमे हेलमेट साथ कर देखाओ नवा मोटर नियम पर प्रहार कर बिन सचिवालय क्लार्क की भर्ती में हवे ग्रेज्युएट फरजियात कर देवायु समय की जरूरियात ने ध्यान में राखी सरकार लीधो निर्णय धोरण 12 पास की जगह ग्रेज्युएशन जरूरी करायू क्लार्क तरीके पसंद थवा महत्तम वय मर्यादा 35 वर्ष की रहेशे। राज्य में शियाळाना माहोल की जमावट नलिया में पारो 17 डिग्री ने पहुंचो पार तो आगामी 3 दिवस में ठंड पारो 2-3 डिग्री सुधी घटी शके छे। अमदावाद में ठंडी 19.1 डिग्री अमदावाद सहित राज्य में 1 डिसेम्बर बाद ठंडी जामे तेवी शक्यता हवामान विभागे व्यक्त करी। अठवाडिया में शहर की लघुत्तम तापमान में 3 डिग्री की वधघट नोंधाई 4-5 दिवस में शहर में सांज सवारे ठंडी वधशे। कमलम में प्रदेश नेताओं की योजाई बैठक भाजप जिला प्रमुखों की नियुक्ति 30 नवंबर सुधी में थी जैसे बैठक में प्रमुखों नाम की थी चर्चा। संसद में बे संघ प्रदेश एकीकरण बिल रजू थे दमण दीव और दादरा नगर एक थे जेना संसद में एक खरडो मुकवामां आवशे। अमदावादनी कर्णावटी युनिवर्सिटी में 2 दिवसीय यूथ पार्लियामेंट बीजा दिवसे लोकोए पोताना मंतव्यो व्यक्त कर्या। प्रथम सेशन में पश्चिम बंगाल भाजप जनरल सेक्रेटरी सैनतन बासु मनसुख मांडविया कांग्रेस राज्यसभा सांसद अमी याज्ञिक रहा हाजर। तापीना डोलवण तालुकाना पदम डुंगरी गामे आरोग्य महासंघ की मड़ी बैठक जेमा आरोग्य कर्मियों पड़तर प्रश्नों की कराई चर्चा आगामी दिवसों में सरकार सामे आंदोलन करने अंगे कराई चर्चा। भावनगर में ट्राफिक अवेरनेस योजाई रैली मोटी संख्या में रैली में लोग जोड़ाया सलामती जागरूकता भागरूपे यंग इंडिया ग्रुप द्वारा करायु बाइकर्स रैली आयोजन। केटना प्रश्न एकंदरे सरल आ वर्षे कट ऑफ स्कोर नीचो रहेवानी शक्यता जारे के मबल और मेथ्स प्रश्नों सदंतरे अघरा रहता विद्यार्थियों मूंझाया। अमदावाद थी मुंबई वच्चे शुरू थनार तेजस ट्रेन ने मुंबई थी अमदावाद शुरू करवा रजूआत सवारे 3 ट्रेन अमदावाद थी उपड़वाने बदले शेड्यूल फेरवी मुसाफरो ने महत्तम लाभ आपवामां आवे। महत्वना 3 कोर्स साथ एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज ने नेशनल बोर्ड एडिक्रिकेशन की मान्यता तो स्टाफ और सुविधा मुजब 3 वर्ष की मान्यता वधु एक कोर्स माटे कराई अरजी। गुजरात यूनिवर्सिटी में सरकारी नॉमिनेटेड सभ्यों की निमणूक न करता तर्क वितर्क नवी सिंडिकेट अस्तित्व में आया 5 महीना थया होवा छता पण नॉमिनेटेड सभ्यों नाम मोकलाया नहीं। अमदावाद में एनसीसी डे की कराई उजवणी लॉ गार्डन खाते एनसीसी कैम्प में विद्यार्थियों आ दिवस की भव्य उजवणी करी जेमां विविध प्रोजेक्ट्स पर रजू करवामां आव्या तो साथ ज भव्य परेड नुं पण आयोजन करायुं। अमदावाद एरपोर्ट आती जती 6 फ्लाइट मोड़ी पड़ी जेमां सौथी वधारे एर इंडिया की अमदावाद मुंबई फ्लाइट 2 कलाक थी वधु मोड़ी पड़ी जयरे अमीरात एलायंस की पण 1.5 कलाक फ्लाइट मोड़ी पड़ी। पेट्रोल भाव में सतत 3 दिवसे वधारो अमदावाद में पेट्रोल भाव 71.86 पहुंचो जयरे कि डीजल भाव में घटाड़ो। मोंघवारी मार यथावत डूंगी भाव 100 रूपया प्रति किलो पर पहुंचो लीला शाकभाजी भाव घटा छता विस्तार प्रमाण भाव हजी 3 गणा। वडोदरा प्रेम बारो टे दिव्यांगों बनाव्यो गेजेट प्रेमे दिव्यांगों सेंसरवाड़ी टोपी बूट और टी शर्ट बनावी आ साथ ज प्रेमे के ड्रॉन बनाव्या जेना खेडूत ने थी शे फायदो। नित्यानंद केस में बने साधिकाओं रिमांड थे पूर्ण बने साधिकाओं ने कोर्ट में रजू करा डिजीलॉकर में मिलेला मोबाइल की तस्वीर तपास तो आ साथ पुलिस तपास जई शके बेंगलुरु। नित्यानंद आश्रम में बने साधिकाओं पास थी मिलेला डिजिटल लॉकर पासवर्ड न मिलता पुलिस कटर थी तोड़ू लॉकर लॉकर में 6 मोबाइल और इमिटेशन ज्वेलरी मिली आई जो आश्रम छूटी गये होना मोबाइल होने तो डिजीलॉकर वीडियोग्राफी साथ खोल। नित्यानंद आश्रम केस में चौंकावनारो खुलासो आव्यो सामे डीपीएससी संचालिका मंजुला श्रॉफ की तस्वीर आवी सामे मंजुला श्रॉफे साध्वी साथे खेंचावी हती तस्वीर परम शिवोत्सव कार्यक्रम की तस्वीर होवानुं आव्यु सामे। अमदावादना हाथीजण में डीपीएस स्कूल विवाद में शुरू थयो तपासनो धमधमाट डीपीएस स्कूल द्वारा एनओसीनी कार्यवाही जे करवामां आवी रही छे ते सर्वे नंबरना तपासना आदेश आपी देवाया अमदावाद कलेक्टरे आप्या तपासना आदेश। नित्यानंद आश्रम विवाद केस में पोलीस तपास में मोटो खुलासो नेपाल में बोगस पासपोर्ट बनावी नित्यानंद भाग्य होवानी आशंका 2018 पछी पासपोर्ट नहीं थयो इश्यू। डीपीएस स्कूल कैम्पस में नित्यानंद आश्रम मामले स्कूल सामे कार्यवाही हवे सीबीएसई बोर्ड पर निर्भर तो सीबीएसई मान्यता रद्द कर्या बाद स्कूल सामे थशे कार्यवाही एनओसी वगर डीपीएसए सीबीएसई बोर्ड की मान्यता मेळवी। बनासकांठा लाखणी सासण गाम में 2 भाईओ वच्चे मारामारी की घटना सिंचाई माटेना बोर माटे एक ज परिवार बे भाईओ वच्चे थई मारामारी
जेमें एक महिला सहित सात ने पहुंची गंभीर इजा। इजाग्रस्तों ने पालनपुर सिविल में खसेड़ाया। बोटाद में माताजी मांडवा दरमियान कलाकार ने मरायो मार। कलाकार प्रभात सिंह सोलंकी ने मार मरायो। युवाने चालू कार्यक्रम में लाफावाड़ी करी। मार मरवा पाछळ कलाकार दारूना नशा में होवानो लगावायो आरोप। नवसारी शाक मार्केट में आखलानो आतंक जोवा मळ्यो। बे आखलाए बाइक चालक ने अड़फेटे लीधो। बंने आखला बाखड़ता सर्जाई हती दुर्घटना। कच्छ मांडवीना मोटा लायजा चौकड़ी पर रखड़ता ढोरोनो त्रास। तोफानी चढ़ेला आखलानो वीडियो थयो वायरल। राजकोट में पीएम आयुष्यमान कार्ड कौभाड़ पर्दाफाश। आरोग्य विभाग ने कलेक्टरे पाड़ी रेड। आयुष्यमान कार्ड काढ़वा लेता था 700 रूपया। हजारों नकली कार्ड काढ़ वाता विस्तार। राजकोट में आयुष्यमान कार्ड काढ़वा मामले अटकायत करवामां आवी। 6 થી 7 लोगों की अटकायत कर लेवाई। आयोजक सहित केटलाक लोगों सामे नोंधाई फरियाद। तो सूरत फरार आरोपी किशोर गांधी ने पकड़वा तपास तेज। द्वारका की पौराणिक लाइब्रेरी में सतत बीजीवार सामे आवे चोरी बनाव। पौराणिक सार्वजनिक पुस्तकालय में चोर नक्षीकाम करे लाकड़ू तथा अन्य वस्तुओं चोरी करीने थयो फरार। सीसीटीवी ने आधार पुलिस से हाथ धरी वधु तपास। बनासकांठा वाव में 14 पशुओं दिवेलाना पान खावाथी निपजा मौत। रखड़ता पशुओं ने दिवेलाना पान खाधा बाद झेरी असर थी। जीवदया प्रेमीओ थया दौड़ता। सुरेन्द्रनगर जिल्लाना बजाणा गामनी पोलीसे बातमीना आधारे विदेशी दारू झड़पी पाड्यो। जेमां कारमां दारू संताड़वामां आव्यो हतो અને તેમાં બનાવવામાં આવ્યું હતું અનોખું સ્ટોરેજ। 4 લાખના વિદેશી દારૂ સાથે એક શખ્સની ધરપકડ કરી લેવાઈ। રાજસ્થાનથી સૌરાષ્ટ્ર લઈ જવાતો હતો। સુરતમાં સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલે બારોલીના કિકપાડ નજીક નેશનલ હાઈવે પરથી 603 પેટી વિદેશી દારૂ ભરેલ કન્ટેનર ઝડપી પાડ્યું। પોલીસે કન્ટેનર ચાલકની ધરપકડ કરી હાથ ધરી તપાસ। તો 35 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી લેવાયો। અમદાવાદના નારોલ અસલાલી બ્રિજ પર એક અકસ્માતની ઘટનામાં બિલ્ડરના પુત્રનું નિપજ્યું મોત। બ્રિજ પરથી જઈ રહેલા યુવક બ્રિજ પરથી નીચે પટકાયો। પોલીસે ઘટનાસ્થળ પર પહોંચીને હાથ ધરી તપાસ। ખેડાની કમળા ચોકડી પાસે હિન્દુસ્તાન બાયોકોલ નામની ફેક્ટરીમાં લાગી આગ। આગને પગલે ફાયર વિભાગની 2 ગાડી સ્થળ પર પહોંચી। ભારે જહેમત બાદ આગ પર મેળવાયો કાબુ। બાયોકોલ બનાવતું મટીરીયલ બળીને થયું ખાખ। અમદાવાદના નારૂલમાં કાપડ ફેક્ટરીમાં આગની ઘટના। 18 ફાયર ફાઈટર ઘટનાસ્થળ પર પહોંચીને આગ પર કાબુ મેળવે। પિરાણા પીપલજ રોડ પરની ઘટના। સદનસીબે કોઈ જાનહાનીના સમાચાર નહીં। બારેજમાં ખેડૂત સંમેલનને સંબોધતા દિલીપ સંઘાણીએ પાક વીમાના કોરા ફોર્મ પર ખેડૂતોને સહી મુદ્દે નિવેદન આપતા રાજકારણ ગરમાયું। સંઘાણીએ ખેડૂતોને સંબોધતા કહ્યું લખાણ વગર ક્યારેય સહી ન કરવી। પાક વીમાના નિવેદન બાદ દિલીપ સંઘાણીને સ્પષ્ટતા। ખેડૂતોને જાગૃત કરવા માટે લખાણ વગરના કોરા ફોર્મ પર સહી ન કરવા કહ્યું। કોંગ્રેસને વિરોધ કરવાનો કોઈ હક નથી। દિલીપ સંઘાણીના નિવેદન બાદ કોંગ્રેસે બનાવ્યો મુદ્દો અને ભાજપાથી રાજીનામાની કરી માંગ। સાંસદ પરબત પટેલ લોકસભામાં ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદને પગલે ખેડૂતોને થયેલા ભારે નુકસાનીનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો, જેમાં પરબત પટેલે સરકારની પાક વીમા યોજના અંગે કર્યા વખાણ। ઉપલેટામાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોને થયેલા નુકસાન સામે પાક વીમો આપવાની અને ખેડૂતોને દેવું માફ કરવાની માંગ સાથે કોંગ્રેસે ખેડૂત અધિકાર સંમેલન યોજ્યું, જેમાં હાર્દિક પટેલ રાજ્ય સરકારના ખેડૂતો માટે 2 રાહત પેકેજ સામે ઉઠાવ્યા સવાલ। અમદાવાદમાં 3500 જેટલા લાભાર્થીઓને સનદ હુકમ તેમજ પ્રોપર્ટી કાર્ડનું વિતરણ કરાયું। 2005 સુધી નિર્મિત મકાનો સચિત સોસાયટીના મકાનો નિયમિત કરવાનું મુખ્યમંત્રીનું સૂચન। જરૂર પડે કાયદામાં ફેરફાર કરી ગરીબોની પડખે ઉભા રહેવાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરતા મુખ્યમંત્રી। દીવમાં રસ્તા બનાવવા માટે નારિયેળના રેસાનો ઉપયોગ કરવા તંત્રનો નિર્ણય। આ ઉપરાંત વહેલી તકે નારિયેળ આધારિત ઉત્પાદનોના લઘુ ઉદ્યોગ સ્થાપવા પણ આ અંગે ચર્ચા કરાઈ। અમદાવાદમાં યોજાયેલા 7મા ઓપન હાઉસ કાર્યક્રમમાં 6400થી વધુ હુકમોનું કરાયું વિતરણ। અમદાવાદમાં 10000થી વધુ મકાનો કરાયા કાયદેસર, જેમાં મહેસૂલ મંત્રી કૌશિક પટેલ, ધારાસભ્યો અને સાંસદ સભ્યો સહિત મહેસૂલ વિભાગના અધિકારીઓ રહ્યા ઉપસ્થિત। મહારાષ્ટ્ર વિવાદ અંગે એનસીપી નેતા શંકરસિંહ વાઘેલાએ આપી પ્રતિક્રિયા। ભાજપની શપથવિધિને શંકરસિંહે ગણાવી ચોર નીતિ। ગુજરાત એનસીપીએ શરદ પવારનું કર્યું સમર્થન, તો સાથે વાઘેલાએ મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલ કોશિયારી વિશે કહ્યું કે ભાજપનું હાથું બન્યા કોશિયારી। સાંસદ મનસુખભાઈ વસાવાએ શિયાળુ સત્રમાં નર્મદા જિલ્લાના અંતરિયાળ વિસ્તારના વિકાસ માટે કરી રજૂઆત। વિસ્તારમાં રોડ રસ્તા બને અને આદિવાસીઓ પગભર થાય તે માટે કરી રજૂઆત। સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લાના તમામ પાટીદાર ગામોમાં પત્રિકા વિતરણ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરાઈ। 18 થી 22 મી તારીખ દરમિયાન ઊંઝાના ઉમિયાધામ ખાતે થનારા ભવ્ય યજ્ઞની પત્રિકા વિતરણ શરૂ કરાઈ।
जासपुर में 1000 करोड़ खर्चे विश्व उम्याधाम बनवा जा रहा है, जेनु काम फेब्रुआरी में शुरू थे। आ काम शुरू थे पहला मड़ी उम्या फाउंडेशन की बैठक, जमा विश्व उम्या फाउंडेशन होद्देदारों की कराई वरणी। एएमसी कॉन्ट्राक्टरों छावरवा नीति हजू यथावत, बीआरटीएस बस अकस्मात करे सामान्य इजा थाय तो 10,000, गंभीर इजा थाय तो 50,000, मौत थाय तो मात्र 1,00,000 दंड। साबरकांठा जिला ने कड़ियादर केरवनी मंडल संचालित सीके अजमेरा शाला में निर्दयी आचार्य बेफाम बनी 16 विद्यार्थियों पर सोटियों वरसावी, बाद में 50-50 उठक बैठक करी, जे बाद तमाम ने सारवार माटे लई जवाया। विद्यार्थियों ने तेमना वालीओए आचार्य सिंधाभाई एम रबारी पर कराया आक्षेप, वालीओए केड़वनी मंडल ने करेली लिखित फरियाद में लख्यू है कि छोकरियों ने लगे कि साहेब दारू सेवन करीने आवे छे, त्यारे वालीओए कड़क कार्यवाही नी करी मांग। बनासकांठाना भाबरना सनेसड़ा गामे ज्यां नर्मदा मुख्य केनाल में रोड पर मोटी तिराड़ो पड़ी, केनाल में तिराड़ो पड़ता मोटी होनारत सर्जावानो डर, खेडूतो अने धारासभ्य थया दौड़ता, गेरीबेन ठाकुरे केनाल की मुलाकात लई अधिकारियों ने कार्यवाही ना कर्या आदेश। सूरतना लिंबात में एमएलए संगीता पाटिल कार्यालय 500 थी वधु लोकोए युवक की हत्या मामले हंगामो मचाव्यो, युवक मृतदेह साथ बैठा परिजनों, 30 वर्ष युवक की हत्या मामले परिवारजनों कर्यो होबाळो। सूरत खटोदरा विस्तार में मोबाइल स्नेचर ने पकड़ी लकवे करी धुलाई, तो दिवसे ने दिवसे वधती जती मोबाइल स्नेचिंग की घटनाओं ने पगले स्थानिकों में आक्रोश जोवा मळ्यो, मोबाइल स्नेचरों ने नथी पुलिस नो कोई खौफ। खेड़ाना अंबाव गामना राधारमण स्वामी की अटकायत करी लेवाई, स्वामी पासेथी मोटी मात्रा में नकली चलनी नोटो झड़पाई, सूरत क्राइम ब्रांचे खेड़ा में दरोड़ा पड़ दरमियान नकली चलनी नोटो झड़पाता अंबाव गामना स्वामी की अटकायत करी लेवाई। वडोदरा में बैंक ऑफ बड़ोड़ा बोगस कॉल सेंटर मामले नौकरी वांछकों साथ कराई छेतरपिंडी, त्रण आरोपियों की एसओजी पुलिस धरपकड़ करी, 35,000 रूपया की नौकरी की लालच आपी नौकरी वांछो पास से पड़ाया था 3-4 लाख बोगस जॉब, लेटर, लैपटॉप, 3 मोबाइल सहित 35,000 रोकड़ा कब्जे कर लेवाया। वापीना वांसदा वन विभाग की कचेरी में एक युवके वन विभाग कर्मचारियों मार और त्रासी कंटाड़ी ने वन विभाग की कचेरी में ज एसिड पीने कर आपघात, वन विभाग की कचेरी में ज आपघात करता वन विभाग थे दौड़तू। तापीना काकरापार में केएपीएस होस्पिटल में तबीब विरुद्ध छेड़ती गुनो नोधायो, गत ऑगस्ट मस में करती छेड़ती, पीड़िता की फरियाद ने लई पुलिस आरोपी ने पकड़ चक्रो कर गतिमान। अरवली भिलोड़ा में एसटी बस और ट्रेक्टर वच्चे अकस्मात की घटना, अकस्मात में ट्रेक्टर रोड की साइड खाड़ा में खाबक्यू, बस में सवार मुसाफरों ने सामान्य इजा, इजाग्रस्तों ने सारवार अर्थे होस्पिटल खसेड़ाया। पाटण शहर काड़का रोड विस्तार में सोसायटी जर्जरित दरवाजो पड़ता एक बाड़क निपजू मौत, लोखंड दरवाजो पड़वा 6 वर्ष बाड़क मौत, बाड़क परिवारजनों में शोक मोजू। अमदावाद में वासणा अंजलि ब्रिज पास थे 65 लाख की सोना की लूंट मामले क्राइम ब्रांचे पूर्व होमगार्ड जवान सहित 3 आरोपियों की धरपकड़ करी, तो शास्त्री ब्रिज पास सोना व्यापारी पास थी 25,000 तोड़ करना पुलिसकर्मी सामने गुनो नोधायो। अरवली मोड़ासा डीप विस्तार में बसे बाइक सवार ने अड़फेटे लीधा, बाइक में सवार बे लोग इजाग्रस्त, बस चालक अकस्मात सर्जी बस साथ फरार थयो, स्थानिकोए 20 किलोमीटर पीछो करीने बस ने रोकी। राजकोट उपलेटा में जिला कांग्रेस द्वारा खेडूत अधिकारी सम्मेलन आयोजन करायु, जमा खेडूत ने 100% पाक वीमो ने देवा नाबूद थाय तेमाजे मांग साथ धरना कार्यक्रम योजायो, जमा हार्दिक पटेल, ललित बसोया, ललित कगथरा और बाबूभाई वाजा रहा हाजर। गांधीधाम में जनताए कायदा ने लीधो हाथ में, चीलझड़प करना किशोर ने लोगए थांबला साथ बांधी दीधो, तो बे किशोर ने वीजपोल साथ बांधी देवानो वीडियो सोशियल मीडिया में वायरल थयो। अमदावाद स्टेट मॉनिटरिंग सेले लाखों रूपया दारू जत्था ने झड़पी पड़ो, सूरत बारडोली विस्तार में दारू की ट्रक झड़पाई, पुलिस ट्रक ड्राइवर की करी धरपकड़, तो 35 लाख रूपया मुद्दामाल कब्जे कर लेवा। सूरत उलपाड़ना सांधेर गाम खेडूत गोडाउन में आग लगी, शोर्ट सर्किट ने कारण आग लगी थी, आग में 2 ट्रेक्टर सड़गया तो 2 मोटरसाइकल सहित खेती साधनों स्वाहा थया। म्युनिसिपल स्कूल बोर्ड सभ्यों ने हवे मासिक 200 रूपया 8,000 मळशे, भत्ता वधारा लाभ गत ऑक्टोबर मस थी लागू पड़े। बीआरटीएस कारण 10 वर्ष में 53 अकस्मात नोधाया, जमा सौथी 11 महीना में सौथी 9 जीवलेण अकस्मातों नोधाया। अरवली में उल्कापात वीडियो आयो सा, गुजरात और राजस्थान बॉर्डर पास गाम पास उल्का दिखाई होनुमान। गटर में मेन्युअली सफाई करवा मुद्दे सोमवार विगत रजू करवा हाईकोर्ट हुकम, गटर सफाई थी थता मौत ने अटकवा बनावल कायदा कड़कपणे पालन थाय जाहिर हित नहीं। 24-26 नवम्बर सुधी 9 ट्रेनों परिवर्तित मार्ग पर दौड़ावाशे, जयरे रविवार 7 ट्रेनों निर्धारित समय करता 2 कलाक सुधी मोड़ी चाल।
गुजरात में चालू वर्षे भारे वरसाद ने कारण 195 व्यक्ति जीव गुमाव्या। अंदाजे 47 इंच जेटला वरसाद ने कारण 848 पशुओं की मौत, जारे के 5318 घरों ने पहुंचो नुकसान। हवामान विभाग मते 25 और 26 नवम्बरे हिमालय सहित विस्तारों में थशे भारे हिमवर्षा, जेनी असर गुजरात में 28 और 29 नवम्बरे थशे। समग्र उत्तर और मध्य भारत में अनुभवाशे ठंडी, राज्य में मार्च महीना सुधी पड़शे ठंडी। वलसाड दादरानगर हवेली विस्तार गामडाओं में 3.2 की तीव्रता भूकंप आंचको, भूकंप आंचका ने लेने धरती ध्रुजी उठी, भूकंप आंचका ने कारण लोगों में भय की लागण प्रसरी। द्वारका आरंभड़ा नजीक ट्रेन आती होवा छता खुल्लो फाटक जोवा मळ्यो। ओखाते सौराष्ट्र मेल मीठापुर रेलवे स्टेशन पहुंचे ते पहला रस्ता में फाटक खुल्लो जोवा मळ्यो। स्थानिकोए तपास करता फाटकमेन दारूना नशा में ऊंघतो झड़पायो, दारूड़िया फाटकमेन ने कारण अकस्मात नो भय। अजित पवार और फडणवीस की गईकाले थई हती बैठक, एनसीपी 27 धारासभ्यों समर्थनों अजित नो दावो, तो बैठक में मंत्री पद ने लईने पण थई हती चर्चा। महाराष्ट्र में राजकीय गरमावो वध्यो, त्रणे पक्षों थोड़ी बार में जशे राजभवन, शिवसेना कांग्रेस एनसीपी जशे राजभवन, पोताना धारासभ्यों समर्थन पत्र सौंपशे, 160 धारासभ्यों की सही साथ समर्थन पत्र सौंपाशे। महाराष्ट्र राजकीय संकट हवे सर्वोच्च अदालत सुधी पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में आज शिवसेना एनसीपी कांग्रेस जोड़ाणी अर्जी पर सुनावणी हाथ धराशे, जो कि आ पहला मोड़ी रात्रे अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात योजाई। अजित पवार ने मनावाना प्रयासों जेनी जवाबदारी सौंपाई छे छगन भुजबळ ने, जे बात ने लेने छगन भुजबळ मळी शके छे अजित पवार ने। महाराष्ट्र राजकारण में आवेला संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनावणी, शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की अरजी पर सुप्रीम कोर्ट केन्द्र और महाराष्ट्र सरकार ने आपी नोटिस, अरजदारों तरत बहुमत साबित करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस वकील अभिषेक मनु सिंघवीए समग्र घटनाक्रम ने विश्वासघात गणाव्यो, तो भाजपा धारासभ्य तरफ से पहुंचेला मुकुल रोहतगीए कहूं कि कोर्ट राज्यपाल आदेश की न्यायिक समीक्षा न कर सके। एनसीपीए धारासभ्यों ने होटल नेनेसा में होटल हयात में खसेड़ा, पहला शरद पवार धारासभ्यों से बैठक कर कोई चिंता न करने आप्युं आश्वासन, तो कांग्रेस नेता अशोक चव्हाणे आरोप लगवा कि भाजप त्रणे पांचों धारासभ्यों ने खरीदवा प्रयास में। अजित पवार ट्वीट कर पीएम मोदी ने आभार व्यक्त करो, तो अजित पवार महाराष्ट्र में स्थायी सरकार आप महाराष्ट्र में सरकार बनावा आभार मान्य, ट्विटर हैंडल पर पोता इंटरव्यू में एनसीपी नेता में महाराष्ट्र नायब सीएम अपडेट कर। अजित पवार ट्वीट सामे शरद पवार ट्वीट कर लख्यू कि भाजप साथ गठबंधन सवाल ज नहीं, एनसीपीए सर्व बहुमति करो निर्णय, तो शरद पवार अजित पवार निवेदन ने लोगों ने गैरमार्गे दौरनारू गणाव्यु। भाजपे शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस पर देश की आर्थिक राजधानी पर पाछला बार ने नियंत्रण करने कावतरू रचवा कर आक्षेप, पक्षे कहूं अंगत लाभ मे शिवसेनाए पक्षना आदर्शों ने आपी तिलांजलि। संजय राउते देवेंद्र फडणवीस की शपथविधि ने गणावी एक्सिडेंटल शपथविधि, आ साथ ज कहूं अमने मिली रही है धमकी, 165 धारासभ्य संख्याबल होवानो करो दावो। फडणवीस शपथग्रहण ने लोकशाही माटे काळो दिवस गणावता संजय राउते इंदिरा गांधीए देश पर लादेली इमरजन्सी करी दीधो उल्लेख, तो कटोकटी उल्लेख करता राउत खुद तेमनाज निवेदन में फसाया, जेने भाजपे उचकी लई प्रहारो कर्या। महाराष्ट्र में भाजपे सरकार बनाव्या बाद कांग्रेस वरिष्ठ नेता अहमद पटेले कांग्रेस धारासभ्य साथ मुलाकात करी, कहूं कि हवे भाजप ने हरावानो समय आवी गयो। प्रयागराज में देवेंद्र फडणवीस सीएम बन्या बाद कराई उजवणी, महाराष्ट्र में फडणवीस सीएम बनता फटाकड़ा फोड़ी तेमज मिठाई खवड़ावीने उजवणी थती जोवा मळी। दिल्ली विधानसभा की चूंटणी ने लईने केन्द्रीय मंत्री हरदीपसिंह पुरी निवेदन की गरमाई राजनीति, पुरीए मनोज तिवारी ने दिल्ली मुख्यमंत्री बनावा देखाड़ू सपनू, तो मनीष सिसोदिया मनोज तिवारी ने ट्वीट कर सीएम उम्मीदवार जाहिर थवा बदल आप अभिनंदन। बिहार पटना में कांग्रेस जेडीयू भाजपा ने केन्द्र सरकार सामने कर विरोध प्रदर्शन, राज्य में कायदो व्यवस्था की स्थिति कथड़ी होवाना और भ्रष्टाचार वध्यो होवाना आरोप लगावाया, मोटी संख्या में कांग्रेसी कार्यकरे पटना की सड़कों पर उतरी सूत्रोच्चार कराया। कांग्रेस की रैली बाद पटना में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी पर जनक्रांति यात्रा लेने रस्ता पर निकली पड़ी, जो कि पुलिस विरोध कर रहे तमाम कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाता नासभाग मची, जमा अनेक लोग थया घायल, तो पुलिस महिला और बाड़कों पर भींजी लाठी। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनवा करवामां आवी उजवणी, तो फटाकड़ा फोड़ी तथा मिठाई खवड़ावीने कराई उजवणी, भाजपा कार्यकर्ताओं करी उजवणी। झारखंड में संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह चूंटणी सभा संबोधी कहूं कोई ताकत राम मंदिर निर्माण रोकी नहीं सके, साथ ही कहूं कि श्याम प्रसाद एक देश में एक ध्वज सपनों साकार थयो। काश्मीरी खीण में आतंकवादियों विरुद्ध संयुक्त अभियान चलावा त्रणेय सेनाओं आर्मी नेवी और एरफोर्स ने स्पेशल फोर्स ने तैनात कर दवाई, त्रणेय सेना कमांडो आतंकी विरोधी ऑपरेशन में मिली कार्यवाही करते।
27 નવેમ્બરે ઇસરો 27 મિનિટમાં 14 ઉપગ્રહ કરશે લોન્ચ. શ્રીહરિકોટાથી 14 ઉપગ્રહ લોન્ચ કરી સર્જશે ઇતિહાસ. ભારતનો એક અને અમેરિકાના 13 કુલ 14 ઉપગ્રહ કરશે લોન્ચ. અયોધ્યામાં ગાયોના અચ્છે દિન ગાયોને ઠંડીથી રક્ષણ માટે કોટ પહેરાવવામાં આવશે. અયોધ્યા નગર નિગમે સાધુ સંતો સહિત લોકો સાથે સંકલન હાથ ધર્યું. રાજ્યમાં 2021 સુધીમાં તમામ ટ્રેનો વીજ સપ્લાયથી દોડાવાશે. વાયુ પ્રદૂષણથી મુક્તિ માટે રેલવે ડિજિટલ એન્જિન બંધ કરશે. ગુજરાતમાં તમામ રેલવેને રૂટનું ઝડપી ઇલેક્ટ્રિફિકેશન કરાઈ રહ્યું છે, જેને પગલે 2021 સુધીમાં સંપૂર્ણ ઇલેક્ટ્રિક એન્જિનનો ઉપયોગ થશે. ધોરણ 10 પાસ માટે રેલવેમાં 4013 જગ્યાઓ પર ભરતી. સાઉથ સેન્ટ્રલ રેલવેમાં એપ્રિન્ટિસ અરજી પ્રક્રિયા ચાલુ કરી દેવામાં આવી રહી છે, તો ઉમેદવારો 8 ડિસેમ્બર સુધી અરજી કરી શકશે. પીએમ મોદીએ મન કી બાત કાર્યક્રમમાં 59મા સંસ્કરણના માધ્યમથી દેશવાસીઓ સાથે કર્યો સંવાદ. ફિટ ઇન્ડિયા મુવમેન્ટ અને જન આંદોલન બનાવવા કર્યું આહ્વાન. દેશના તમામ રાજ્યોના શાળા પ્રશાસનને પીએમ મોદીએ કરી અપીલ. મન કી બાત કાર્યક્રમમાં પીએમ મોદી એનસીસી દિવસ પ્રસંગે કેડેટ્સ સાથે કરી પ્રશ્નોત્તરી. પીએમએ કહ્યું કે યોદ્ધો ચુકાદા પછીની શાંતિ સૂચવે છે કે રાષ્ટ્રહિત બધાના હૃદયમાં વસેલું છે. બંધારણ દિવસની ઉજવણીના સામેલ થવા નાગરિકોને પણ ખાસ અપીલ કરાઈ. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કરી મન કી બાત. મન કી બાતમાં દરેકને એનસીસી દિવસની આપી શુભકામનાઓ. આ સાથે જ કહ્યું કે પોતાને તેઓ એનસીસી કેડેટ માને છે. દિલ્હીમાં પ્રદૂષણ યથાવત. દિલ્હીમાં વહેલી સવારે ધુમ્મસનું પ્રમાણ જોવા મળ્યું. ધુમ્મસને કારણે સ્થાનિકોને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, તો હવાની ગુણવત્તામાં ઘટાડો. ત્રિવેન્દ્રમમાં ચોમાસું શરૂ પૂરું થયા બાદ પર્યટકોની સંખ્યામાં વધારો. કોવાલમ બીચ પર ન માત્ર ભારતીય પરંતુ વિદેશી પર્યટકોની સંખ્યામાં પણ વધારો. જેએનયુની ફી મામલે વિરોધ પ્રદર્શન. વચ્ચે મોટી સંખ્યામાં લોકો સમર્થનમાં સડક પર ઉતર્યા. લોકોએ તેમને સિટીઝન માર્ચ નામ આપ્યું, જેમાં પીજી યુનિવર્સિટીના છાત્રો અને પ્રોફેસરો પણ સામેલ થયા. દિલ્હીની ગીતા કોલોની વિસ્તારમાં બીજેપી અને આપ કાર્યકર્તા વચ્ચે ઘર્ષણની ઘટના. આરોપ છે કે બીજેપી કાર્યકર્તાઓ પ્રદર્શન દરમિયાન આપ વિધાયક એસકે બગ્ગાની ઓફિસમાં ઘૂસીને તેમના સ્ટાફ સાથે કરી હતી મારપીટ. દિલ્હીમાં હવાનું પ્રદૂષણ યથાવત. દિલ્હીમાં હવાની ગુણવત્તા દિવસે ને દિવસે વધુ ખરાબ. ઇન્ડિયા ગેટ પર સવારે ધુમ્મસ જોવા મળ્યું, તો વોક કરવા આવતા લોકોને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ. દિલ્હીમાં ભાજપના કાર્યકર્તાઓએ દિલ્હીમાં પીવાનું શુદ્ધ પાણી મળી રહે તે માટે કર્યું વિરોધ પ્રદર્શન. દિલ્હીમાં સ્થાનિકોએ ચોખ્ખું પીવા યોગ્ય પાણી મળી રહે તે માટે બેનરો સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. તિરુમાલામાં જસ્ટિસ એસ એ બોબડેએ કર્યા ખાસ દર્શન. સીજેઆઈ બન્યા પછી પહેલી વખત તિરુમાલામાં તિરુપતિ બાલાજીના કર્યા દર્શન. 1 ડિસેમ્બરથી 520 ટોલ પ્લાઝા પર ફાસ્ટટેગ અનિવાર્ય. ફાસ્ટટેગથી રોજ 70 લાખ વાહન ચાલકોના 3.5 લાખ કલાક બચાવી શકાશે, તો વાર્ષિક 75,000 કરોડ રૂપિયાનું ઇંધણ પણ બચાવી શકાશે. 28 નવેમ્બર સુધીમાં ઉત્તર મધ્ય ભારતમાં ઠંડીનું મોજું. માર્ચ સુધી રહેશે ઠંડી, તો ફેબ્રુઆરી સુધી કડકડતી ઠંડીનો થશે અનુભવ. પૂર્વ ભારત પશ્ચિમ મધ્યપ્રદેશમાં ઠંડીનો નવો વિક્રમ રચાશે. ગંભીર રૂપથી બીમાર દર્દીઓને તુરંત મેડિકલ હેલ્પ મળે તે માટે દિલ્હીમાં એઇમ્સ ટ્રોમા સેન્ટરની છત પર હેલીપેડ શરૂ કરાશે. નોમાળના વિશ્રામ સદનની છત પર હેલીપેડ બનાવવાનું કારણ અંતિમ ચરણમાં. રાજસ્થાનની સાંભર જેલમાં હજારો પક્ષીઓના મોત બાદ મીઠાના દૂષિત થવાની સંભાવના, છતાં પણ તેનું ઉત્પાદન જોરશોરથી ચાલુ. પક્ષીઓના મોત બાદ મીઠું પકવતી કંપનીઓને તેની સપ્લાય રોકવાના આદેશ આપી દેવાયા. યુપીના બાગપતમાં હરિયાણાના ખેડૂતોએ ખેતરોમાં ઘૂસી પૂરો પાક તબાહ કરી દીધો. જાણવા મળ્યા મુજબ સીમા વિવાદને લઈને આ વિસ્તારમાં આ પ્રકારની અનેકવાર ઘટનાઓ ઘટતી હોવાનું આવ્યું સામે, જેને લઈને બંને તરફ ખેડૂતોમાં ઘર્ષણ. યુપીના આઝમગઢમાં એક સરકારી હોસ્પિટલના આઈસીયુમાં દર્દીની સારવાર સમયે એક ગાર્ડે ડોક્ટરની આગેવાનીમાં કર્યો દર્દીનો ઇલાજ. આઈસીયુમાં પહોંચી ગાર્ડે ડોક્ટરના ઇશારે દર્દીની સારવાર કરી હતી, જેનો વીડિયો થયો વાયરલ. કોઇમ્બતુરમાં પાલતુ પશુને રોડ પરથી હટાવી સુરક્ષિત સ્થળે પહોંચાડવા અભિયાન શરૂ કરાયું. રોડ પર આતંક મચાવતી 20 જેટલી ગાયોને પૂરીને ગૌશાળામાં મોકલી દેવાઈ. ગાયોના લીધે વાહન ચાલકોને થતી હતી હાલાકી. યુપીપીપીએલસીને ગોટાળામાં કર્મચારીઓ માટે મોટી રાહત. યોગી સરકારે તમામ કર્મચારીઓના ફંડના રૂપિયા ચૂકવવાનો કર્યો નિર્ણય, જેને કારણે કર્મચારીઓ લીધી હડતાળ પરત. મધ્યપ્રદેશના સિહોરમાં પોલીસ કાર્યવાહીથી નારાજ એક યુવકે સડકની વચ્ચે જ પોતાની બાઇકને આગ લગાવી દીધી. જાણવા મળ્યા મુજબ જુગાર રમવાના આરોપમાં પોલીસે તે યુવક પર કર્યો હતો કેસ. ઉત્તરપ્રદેશના અલીગઢમાં 2 કેદીઓ પોલીસ કસ્ટડીમાંથી થયા ફરાર. સમગ્ર મામલે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી. પોલીસ બંને કેદીઓની તપાસ હાથ ધરવામાં લાગી. આગ્રામાં ફેક ખરીદીનું પોર્ટલથી લોકોને છેતરનારા ઝડપાયા. પોલીસે 4 લોકોની ધરપકડ કરી. આ સાથે જ પોલીસે 17 મોબાઈલ અને 2 લેપટોપ કબજે કર્યા. છત્તીસગઢના દંતેવાડામાં નક્સલીઓનો હુમલો. નક્સલીઓએ વાહનોમાં લગાવી આગ. 11 વાહનો બળીને થયા ખાક. સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ. દંતેવાડના કિરણદુલ થાણા વિસ્તારની ઘટના.
जम्मू काश्मीर सहित उत्तर भारत में हिमवर्षा बीजो राउंड थयो शुरू। छेल्ला 24 कलाक में उत्तर भारत अनेक पर्वतीय विस्तार में वरसाद सहित बरफवर्षा थी। गुलमर्ग में 18 मिलीमीटर, श्रीनगर में 13 मिलीमीटर बरफवर्षा नोंधाई, तो जम्मू में 3 मिलीमीटर बरफवर्षा थी। हिमाचल प्रदेश रोहतांग, मनाली सहित विस्तारों में छेल्ला 2 दिवस में 50 सेंटीमीटर की वधु बरफवर्षा रेकॉर्ड नोंधायो। हिमवर्षा ने कारण रोहतांग अंडरपास ठप थी गयो। हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति में भारी हिमवर्षा ने कारण लोग मुसीबत में मुकाया। कोकसर विस्तार में भारी बर्फ पड़वाने कारण चौमेर छवाई बर्फ की चादर, तो केटलाय पुल और सड़कों पर एक फूट सुधी बर्फ थरजामी कर। तो बीजी तरफ भारी हिमवर्षा ने कारण ट्राफिक व्यवहार ठप थी गयो। मकानों पर बर्फ में थरजामेला जोवा मळ्या, जेथी करीने लोको पण अंदर ज रहेवा मजबूर थया। तो कुलूना गुलाबामां पण भारे हिमवर्षाने कारणे जनजीवन ठप थई गयुं। यूपीना अमरोहामां वाहन चेकिंग दरमियान पोलीस अने बदमाशो वच्चे घर्षणनी घटना, जेमां गोळी वागता 25,000 नो इनामी आरोपी मिजार घायल थई गयो, तो एक सिपाही पण घायल थयो, तो अन्य अंधारानो फायदो उठावीने फरार थई गया। यूपीना गोंडामां केटलाक दबंगोए छेड़छाड़नो आरोप लगावी चार युवकोनी बेरहमीथी पिटाई करी, तो पोलीसे तेने 2 महिना अगाउनी घटना बतावी, जो वीडियो हवे सोशियल मीडिया पर वायरल थयेलो जोवा मळ्यो। पटनानी पासे बीटामा एक कार डिवाइडर साथे टकराई, जेमा 2 लोकोना मौत निपजा 3 लोको घायल थया। टक्करना कारणे कार पलटी खाई गई होवानुं आव्युं सामे। मध्यप्रदेशना शिवपुरमां मेजिस्ट्रेट सुरेन्द्रसिंहनुं मार्ग अकस्मातमां निपजुं मौत। ग्वालियरथी परत फरता समये तेमनी कार सड़कथी उतरी कंटेनरमां घुसता निपजुं मौत। मृतक मेजिस्ट्रेट परिवारने ग्वालियर छोड़ी परत फरी रह्या हता, ते दरमियान बनी हती घटना। लुधियाणाना प्लास्टिकनी एक फेक्टरी में आग लगता हड़कंप मची गयो। आग ए हदे विकराल बनी के फायर ब्रिगेडना कर्मीओने पण भारे मुश्किलीनो सामनो करवो पड्यो, के भारे जहमत बाद आग पर काबू मेळवी शक्या। यूपीना एटामां कारमां आग लगता एक परिवारना 5 लोकोना निपजा मौत। तेज रफ्तारने कारणे आग सड़क पर पार्क एक ट्रक साथे अथड़ाई गई, तो एक युवतीनो जीव बची जता तेने सारवार अर्थे खसेडायो।